खरगोन जिले में बड़वा तहसील के ग्राम मुक्तियारा में स्वीकृत मिट्टी खदान का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे और उक्त खदान निरस्ती की मांग की। ग्रामीणों ने बताया खसरा नंबर 44 में स्वीकृत खदान आमजन के लिए नुकसानदायक है। इसी क्षेत्र में नर्मदा गंभीर प्रोजेक्ट की पाइपलाइन भी है जिसे नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अलावा बलवाड़ा माइक्रोफिल्टर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई है जिससे 3 से 4 गांवों के खेतों में सिंचाई का पानी पहुंचता है। इन जनहितेशी कार्यों को देखते हुए उक्त खदान को निरस्त किया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले में जो बड़वा तहसील पड़ती है उसके पास में ग्राम मुक्तियारा है, वहाँ पे शासकीय भूमि है 44 नंबर रकबा सरकार का। तो वहाँ पे नर्मदा पाइपलाइन जो सरकार की शिवराज सिंह जी की योजना गई है नर्मदा गंभीर, उसका पंप हाउस 57 नंबर में है, सरकारी शासकीय भूमि है। उसके बाद में जो बलवाड़ा से लेकर बागोद तक माइक्रो एरिकेशन के नाम से जो पाइपलाइन गई जिससे सिंचित किसानों को लाभ मिल रहा है और किसान लाभवंतित है, उसके जस्ट 44 नंबर से लगी हुई गौचर जमीन है, दोनों साइड आम रास्ते हैं। हमें ये शासन द्वारा या शासन किसी भी माध्यम से सूचना मिली है कि वहाँ एक गिट्टी खदान की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त की है, तो हम उसके रोकने के हेतु सब लोग आवेदन देने आए हैं। कुछ आदिवासी समाज अभी जैसे शिवराज सिंह चौहान वगैरह ने अपने टंटिया मामा भील भीमा नायक सांसद महोदय मुख्यमंत्री सभी ने जो आदिवासियों के लिए मंच लगा के उनका सम्मान कर रहे हैं, तो वहाँ पे शासकीय भूमि में कम से कम 50 घर शासकीय भूमि में आदिवासी निवास कर रहे हैं तकरीबन 10 साल से अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिनमें हमने सारी प्राप्तियाँ कलेक्टर महोदय को प्राप्ति लगा के दी है। तो शमशान घाट वगैरह भी उन लोगों को वहीं पास में है और तालाब की भी नहर गई है वहाँ से। तो इन सारी के बीच में अगर इस तरीके की गिट्टी खदान की अनुमति शासन प्रदान करता है तो किसानों को आसपास की जमीन का और पाइपलाइन को सभी का सरकारी योजना जितनी क्षतिग्रस्त होने का। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये गिट्टी खदान की स्वीकृति निरस्त करी जाए शासन से। और क्या नाम है आपका? गोविंद दांगी। कहाँ से आए? मुक्तियारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।